नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन। सच टेलीविजन पर शानदार मैचेस का सिलसिला एक जानिब जारी है और आने वाले मैचेस भी इंतहाई शानदार और ड्रामेटिक होते जा रहे हैं, थ्रिल से भरपूर। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, इंतहाई मज़ेदार टूर्नामेंट होता जा रहा है और पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल मुसलसल तब्दील होती दिखाई दे रही है आप सब लोगों को। इससे पहले कि आज मैं ज़रा आगे बढ़ूं, आपको एक बड़ी मज़ेदार सी बात भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ज़रा दिखाऊंगा। कोई है जिसको पहले ही पता चल जाता है कि मैच कौन जीतेगा और अब तक की पेशेंट गोई उसकी ठीक हो रही है। एक ऐड देखा होगा आपने टेलीनॉर का, उस ऐड में एक लड़की तोता खरीद के घर लाती है। वो तोता बातें भी करता है और बातों के साथ साथ कॉमेंट्री भी करता है। अच्छा, उस तोते के बाद एक बड़ी स्पेशल पावर है और वो है पेशेंट गोई की, और वो पेशेंट गोई करेगा आज कि क्वेटा ग्लैडिएटर जीतेगा या इस्लामाबाद यूनाइटेड। आइए जरा मिट्टू से जानते हैं। हाँ भाई मिट्टू, ओ हो हो, हालांकि मेरी फेवरेट आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड है और मेरे साथ साथ जितने हमारे पैनलिस्ट हैं वो इसी पर बजिद होंगे कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी, लेकिन मिट्टू ने फाल निकाला है क्वेटा ग्लैडिएटर के नाम का। काशिफ शबीर साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, कमेंटेटर है, थोड़ा सा लेट आए हैं इसलिए मैंने इन्हें आज डरा दिया है। उसके साथ साथ तस्नीम समर ने हमें ज्वाइन किया, न्यूजीलैंड से क्रिकेट कमेंटेटर है। अब्दुल कदीर राणा साहब कराची से हमारे साथ मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ, स्पेशली आज हमें ज्वाइन किया, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा, बहुत बिजी होते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे आपके सबके बहुत फेवरेट, बहुत शानदार इंसान भी हैं। जितने अच्छे और जितने बड़े वो क्रिकेटर हैं उतने ही बड़े वो इंसान भी हैं। तो आप सब हजरात को मैं वेलकम करूंगा। शुरू करूंगा आज पहले हसन भाई से। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, सर इतना रिकॉर्ड दिया है और बहुत शुक्रिया। हसन भाई आप हैं ही बहुत अच्छे। हसन भाई ये बताएं, कल के मैच पे पहले मैं जरा बात करूं, यार बड़ा शानदार मैच हुआ और आपको लगता है कि लाहौर कलंदर चेंज टीम के तौर पे पीएसएल 7 में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है लाहौर कलंदर, जिस तरह से लीडिंग फ्रंट पे जो कर रहे हैं, अब तक फखर जमान नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपने कैरियर में डबल सेंचुरी भी की हुई है जिम्बाब्वे में हरारे में, और वो जो टेक्निक्स थी उनकी वो नजर आ रही है कि वो थोड़ा स्टे भी करते हैं और सिंगल डबल्स की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो उनके टारगेट में जोन में बॉल आती है उसको मिडविकेट और या मिडविकेट की तरफ खेलते हैं या मिडॉन की तरफ खेलने जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉमिसिंग स्ट्रेटेजी है। आकिब जावेद जो है थ्रू आउट लाहौर कलंदर के साथ वर्किंग भी कर रहे हैं, उनसे नए प्लेयर प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है पूरे पीएसएल में। ये एडवांटेज है उनको, जिस तरह से डेविड वीजा है उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसके बाद सुमित पटेल है उनकी फ्रेंचाइज कहता है, मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है टीमों का। जब अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा तो टीम की सक्सेस और उनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छा रिजल्ट लेके आएंगी। अच्छा ये बताएं हसन भाई, मजा आ रहा है वैसे टीम्स की तब्दीली से? तो जहां पर टीम्स में अपनी परफॉर्मेंस में तब्दीली है उसी में, अच्छा चले मैं इससे आगे भी बढ़ूंगा हसन भाई से, एक जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कराची का सवाल है, उससे पहले कि मैं उनसे करूं तो आप लोगों को भी जरा बहुत सारी चीजें पूछूं ना। काशिफ भाई, कल का मैच और इंतहाई आला मैच, दूसरी टीम हो गई है जिसने टॉस को एक साइड पे रखा और मैच जीत लिया। जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ बड़ा डिसअपॉइंट किया कल पेशावर जलमी ने, क्योंकि जो जिस कैलिबर की वो टीम है उस कैलिबर का शायद वो परफॉर्म नहीं कर सकी। हम समझ ये रहे थे कि वो बॉलिंग में अपना लोहा मनवाएगी और वहाब रियाज का एक डिफरेंट फैक्टर जो है वो नज़र आएगा, लेकिन वो फैक्टर नज़र नहीं आया, उसको नलिफाई कर दिया लाहौर कलंदर की टीम ने। बहुत अच्छी बैटिंग की जिम्मेदारी के साथ, देखें असल ये है कि आप कितनी जिम्मेदारी के साथ अपनी टीम को आगे लेकर जाते हैं। फखर जमान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर रहा है, और इक्वली गुड जो बॉलिंग है लाहौर कलंदर की वो बड़े अच्छे तरीके से, और शाहीन शाह अफरीदी की क्या बात है कि पहले ही ओवर में उसने जज़ई को, जिसके बारे में बड़ा एक अच्छा हाइप क्रिएट हुआ, हाइप क्रिएट की हुई थी कि बहुत स्कोर करेगा, वो रह गया। कामरान अकमल ने अच्छा खेल पेश किया मैं ये कहूंगा, लेकिन उसके बाद इसको जो था ना जो स्टेबलाइज करके आगे लेकर जाना था रदरफोर्ड ने और साथ उसके शोएब मलिक ने, वो काम नहीं हो सका, कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आई, और बड़े अच्छे तरीके से जो है बॉलिंग को उसको बेहतर किया। और मैं समझता हूँ कि कल हमने देखा कि शाहीन शाह आफरीदी ने तमाम मैचेस की निस्बत कल की कप्तानी उनकी बेहतर थी, कल उनकी बॉलिंग जो चेंज थी वो बेहतर थी। इसका मतलब है कि उनकी कप्तानी तीन ही मैचेस के बाद कुछ डिफरेंस जो है वो पैदा करना शुरू कर दिया, लर्निंग जिसकी कलम जी। और आपने बात की ना कि लाहौर कलंदर क्यों
एक मुनफरिद टीम नजर आ रही, क्यों चेंज टीम नजर आ रही है? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जहाँ तो टीम जेल हो रही है उसके साथ साथ कप्तानी का फैक्टर भी है, और जब आपका कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, उसका इम्पैक्ट जो है पूरी टीम के ऊपर। दुनिया के वो बॉलर जिसने गारफी सोबर्स अवार्ड हासिल किया, आईसीसी के अवार्ड नॉमिनेशन में उसमें अवार्ड हासिल, फिर एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है टीम में कि भाई दुनिया का रिकॉग्नाइज प्लेयर है, दुनिया के शानदार बॉलर्स में से एक है या बैट्समैन में से एक है, जिसको बाबर आजम और रिजवान का एज है। कल के मैच जीतने के बाद लाहौर कलंदर ने वो जो 5-4 से जीत रहे थे, अब वो 5-1 से आगे लेके मैच में बहुत ही अच्छे, पिछले 6 मैच अच्छा जी 5 जीते। हाँ ये बात। अच्छा हसन भाई एक सवाल आपसे, फिर मैं जरा तस्नीम से करता हूँ। हसन भाई कराची का क्या इशू देख रहे हैं यार? मुझे तो बहुत सारे इशूज लग रहे हैं, लेकिन क्या कोई एक स्पेसिफिक इशू भी है आपकी नजर में कि जिसकी वजह से आपको लगता हो कि कराची इस गेम में उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रही? सबसे पहले तो अभी जो फाल निकाला है आपने, ये तोते का कोटा की नाम निकला है, शायद ये कराची के नाम निकलना चाहिए था जिस तरह से उनकी हार्ड लक चल रही है सब। और उसके बाद फ्रेंचाइज में जो नदीम उमर साहब हैं उसके ऑनर फ्रेंचाइज के, वो कोशिश करें कि जल करें टीम को, मगर अब तक जो बॉलिंग साइड देखी जा रही है वो तो नसीम शाह टॉप बॉलर भी रह चुके, 5 आउट की बेस्ट करियर है उनका बॉलिंग का, 20 रन देखे उन्होंने, 5 विकेट ली, मगर सरफराज की जो कैप्टनसी है उसमें एग्रेशन नजर आ रहा है थोड़ा सा, उसके बाद कम डाउन नजर नहीं आ रहे बहुत ज्यादा। हमेशा जब भी बैटिंग पैराडाइज कराची जैसी पिचेज होती है तो वहां पर आपको थोड़ा बॉलर को सपोर्ट करना पड़ता है, तो एग्रेशन बहुत ज्यादा रहा है उनका। उसके बाद फ्रेंचाइज पे जो प्लेयर्स थे एक दो वो चेंज हुए हैं काफी टीमों में, आप शायद अफ्रीदी हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं टीम को, इससे डेफिनेटली टीम का जो है मोराल बढ़ेगा, और जो डगआउट में प्लेयर्स बैठे हैं रिचर्ड भी हैं वो भी अगर आएंगे ज्वाइन करेंगे तो टीम बूस्ट अप होगी डेफिनेटली। ठीक है असद भाई, आप भी हमारे साथ हैं, तसीम भी मेरे साथ हैं, अब्दुल कदीर राणा, काशिफ शबीर हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो जरा बात करते हैं कल के मैच की थोड़ी सी और, चूंकि कल का मैच इतना इंपॉर्टेंट था उससे कराची किंग्स भी कुछ सीख सकती है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी लाहौर के मैच की, लाहौर की शानदार परफॉर्मेंस, पेशावर जलमी बेबस दिखाई दी, वहाब अलहमद ने कल कुछ गलतियां की और फील्ड में तो बहुत ज़्यादा की खैर, लेकिन उसके अलावा भी गलतियां हुई, और चूंकि यंग टैलेंट था जैसे आरिश हैं और दीगर इंडक्शन हुई, वो उस तरह से कारामत साबित नहीं हुए। सलमान इरशाद जो कि लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकले, पेशावर जलमी ने उन्हें पिक किया है, उनकी तरफ से खेले, कल उन्होंने विकेट भी ली, डेविड वीजे की भी ली, एक और विकेट भी ली, लेकिन वो भी कोई कारामत साबित नहीं हुई, चूँकि राशिद ने इतनी शानदार इनिंग्स खेल दी और हेलीकॉप्टर शॉट ऑफ साइड पर भी ऑन साइड पर भी कमाल कर दिया राशिद ने। हफीज बहुत अच्छी तरह खेला, कामरान गुलाम बहुत अच्छी तरह खेले, हफीज तो है ही बड़े मुस्तनद और बैट्समैन है, जहां जरूरत पड़ती है और फिर खेल जाते हैं, कुल मिला के फखर के साथ सारे अच्छा खेल गए। अच्छा जी तस्नीम, हाउ वाज द मैच यस्टरडे? The match was spectacular. It was the exact kind of tight competitive match that we thought we were going to get to see. One of the things that I think was an absolute standout of the game, and maybe won't get mentioned so much because Fakhar Zaman's innings were spectacular, is Rashid Khan, who also played for Zika Kia. One thing that we sometimes forget about in T20 cricket is that a player's impact is a really, really important and can be as impactful over the course of only 8 deliveries as compared to 20, 30, 40. So his cameo innings at the end was brilliant. It probably is exactly what propelled Lahore Qalandars to that total that was so competitive for them in the end that they were able to defend. And I think that it's really easy to see the legacy of a player like Shahid Afridi in Rashid Khan. Shahid Afridi is one of his major inspirations. I think it's a common sentence to hear from T20 players all over the world of all ages, particularly leg spinners, obviously.
So it's really nice to see that his chasing game is getting so good at this point that he's established himself into a finishing batsman. And that is remarkable to see. So I think that that was a big part of Lahore's success yesterday. Fakhar Zaman has been spectacular in this PSL so far. And again, that competition between him and Shaan Masood for best batsman. It's really tight competition, and it's really good to see from two Pakistanis. काफी अरसे से PSL में हम सारे compare कर रहे थे कि foreign batsmen बहुत अच्छे खेल रहे हैं, Pakistani batsmen गायब हैं. So it's really nice to see the development of a lot of young Pakistani batting talent and new people every single year. So it's obviously the bowlers, जैसे आपने भी सलमान की का जिक्र किया, who's come through the Lahore development program. But it's really good to see finally a little bit of a production line of exciting talent batsmen. अच्छा जी, अब शान मसूद का जिक्र हुआ है, मैं इस पर भी बात करूंगा. शान और फ़खर को अब एक बार फिर लोग एक नए ओपनिंग पेयर के तौर पे पाकिस्तान टीम में इंडक्शन में देख रहे हैं कि यार अगर बाबर और रिजवान है तो साथ एक ऑप्शनल प्लेयर्स में अगर हम देखें तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शान मसूद के लिए भी. देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से उसने अपने आप को मनवाया. अब्दुल कदीर राणा साहब से एक सवाल करूँ, फिर हसन भाई की तरफ जाऊँगा. अब्दुल कदीर राणा साहब, सर कुछ कराची को हौसला आ रहा है लाहौर की बैटिंग और बॉलिंग देख के? कुछ सोच रहे हैं कराची के हमने भी अब कमबैक करना है? इमाद वसीम तो कह रहे हैं कि कमबैक करने की पूरी सलाहियत है. हाँ, इमाद वसीम का जो बयान है वो मैंने भी पढ़ा है, उसने अच्छी बात की है. अगर ऐसा है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ज़रूरी, हम तीन मैचेस हारे हैं अभी और अभी सात मैचेस बाकी हैं और हम जीतना चाहते हैं. मतलब कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि वो हारना चाहती है, तमाम के तमाम मैचेस जीतना चाहते हैं. आगे अच्छा भरपूर तैयारी हो रही है कराची की, किंग्स की. अब देखते हैं अगला मैच जो है उसमें किस तरह से परफॉर्म करेंगे. बहरहाल ये तीन मैचेस लगातार हारने के बाद जो कराची वाले हैं वो मायूस तो हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये एक मैच भी अगर जीत लेती है कराची किंग्स तो फिर ये कि उनके हौसले बढ़ जाएंगे और टीम का मोराल भी बढ़ जाएगा और जो अगले मैचेस होंगे फिर उनमें जो है जीतने में उसको आसानी भी होगी. और गुज़िश्ता रोज़ का जो मैच है, वाकई में तीन जो मैचेस चले लगातार उनमें जो है, पहले तो मुल्तान सुल्तान ने जो है एक नई रिवायत कायम की और कल फिर जो है इसने लाहौर कलंदर्स ने भी वही कायम कर दी टॉस हार कर जीतने वाली, क्योंकि और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था ये, क्योंकि काफ़ी दफ़ा तो ऐसा लग रहा था कि बराबर चल रहा है फिर कभी उसके हाथ में, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि फिर लास्ट जो था तो कम्प्लीटली लाहौर कलंदर्स के उसमें था ये. ये बात तो सही है. यहाँ पर जो शायकीन थे बड़े बड़े इंतहाई खुश दिखाई दिए लाहौर कलंदर से, और पेशावर ज़ल्बी वाले जो है वो बहुत मायूस, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि भाई कैप्टन अच्छा नहीं है. कैप्टन पे बड़ी तनकीद की है, कल मेरी जो बात हुई है यहाँ पर जो मैच देखने के बाद यहाँ बाहर निकले तो उन्होंने कहा भाई कैप्टनसी अच्छी नहीं है, उसको कैप्टन तब्दील किया जाए. इस तरह से बातें मतलब करते हैं, अपने दिल की बातें होती हैं उनकी. तो बहरहाल पेशावर ज़ल्बी, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है ना इस वक्त उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा. शोएब मलिक एक ऑप्शन है और शोएब मलिक ने अपना पहला मैच अच्छे से खेल के दिखा भी दिया. हसन भाई, सर कराची किंग्स की थोड़ी सी बात करूंगा, आपने पेशावर के हवाले से तो सुन ही लिया, मैं जरा कराची की बात इसलिए कर रहा हूं, तीन मैच खेली तीनों हारी, आगे कैसे बढ़ना है कराची को? आपकी नजर में जो ऑलराउंडर्स की भरमार है कराची की, थोड़ा डैमेजिंग पार्ट नहीं है कराची के लिए? देखिए थोड़े से फ्रेंचाइज में भी मुश्किल हुई है, क्योंकि फ्रेंचाइज ने प्लेयर चेंज करे, अब तक की टॉप बैट्समैन कराची के जो थे एलेक्स हेल वो नहीं है, अब दूसरी तरफ चेंज करे, इस्लामाबाद के बैट्समैन बन चुके हैं. अब फिर इसके बाद टॉप ऑर्डर पे जो हम रिलायबल करते हैं तो वो बाबर आजम और शकील हैं. आप देखें 60 रन की लास्ट इनिंग में वो आउट हो गया, तो मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन है वो ग्राफ नहीं बना रहे हैं, नहीं सही जो मैच को लेके चलते हैं. उसके बाद अब कैप्टनसी पे अगर आए तो बाबर आजम थोड़े से कैप्टनसी में शेकी नजर आ रहा है. कैप्टनसी T20 फॉर्मेट में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिस तरह से रिजवान क्विक चेंजेस कर रहे हैं टीम को, जब किया हुआ उन्होंने जहाँ पर अकॉर्डिंग टू पोजीशन होती है वहाँ पर आपके बॉलर को लेके आना पड़ता है, मगर मेन बॉलर जो है वो आप देखे नहीं आ रहे स्ट्राइक पर. ताहा एक इमर्जिंग प्लेयर्स है, वो जब रिजवान और शान खेल रहे हैं तो उनको आपने बॉलिंग पे लगाया हुआ है. ये टर्निंग पॉइंट होता है अगर रिजवान की कैप्टनसी आप देखें कि आप बिलीव करेंगे सारे बैठे हैं कि आमिर से एक्सपेक्टेशंस हैं आपको अगर आमिर की वापसी भी होती है?
एक्सपेक्टेशन तो है, मगर जिस तरह की ये ट्रैक बैटिंग ट्रैक बने हुए, यहाँ पर बॉलर मुश्किल से 6 बॉल बचा ले तो मेरे ख्याल में इसमें काफी होगा, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज बने हुए। सिर्फ लो स्कोरिंग मैच पहला मैच हुआ 125 रन का, उसके बाद आप देखें कि 422 रन बन चुके हैं पूरे मैच में। उसके बाद सेंचुरियां हो रही है, फर्स्ट सेंचुरी वक्त जमाने की पीएसएल की, तो बॉलर्स को अपनी जो 4 ओवर हैं कोटे के वो बचाने पड़ेंगे। उसमें चेंज ऑफ पेस करना है, आपने जो ऑफ कटर कर रहे हैं बॉलर, वो सक्सेस हो रहे हैं, ज्यादा स्लो वन कर रहे हैं। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, तो बड़ी टेक्निकल पॉइंट है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ तो आप जरा बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर के मैच पर, जरा कंपैरिजन करके देखते हैं। वेलकम बैक जी, सारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ शबीर साहब क्वेटा और इस्लामाबाद। फौरी जवाब इस्लामाबाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और जो जैसी वो टीम है, जैसे वो खेल रहे हैं, आज कॉलिन मनरो भी वापस आ रहा है, ओपनिंग पेयर और मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और उसके बाद बैटिंग जिस तरह फॉर्म में है पूरी टीम, बॉलिंग वैसे बहुत अच्छी है ना, विंस भी है, रॉय की भी इंडक्शन हो रही है, जो मर्जी आ जाए क्वेटा के, इस्लामाबाद के आगे जो मर्जी आ जाए इस्लामाबाद नहीं छोड़ेगा, तगड़ी है इस्लामाबाद, बहुत तगड़ी। और मैं तो आपको बताऊं, फाइनल में इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान ये दो टीमें हैं जिन्होंने फाइनल लड़ना है, और इनमें जो डेप्थ है, जो कैप्टनसी है, जो बॉलिंग और जो कॉम्बिनेशन, असल जिस तरह हसन भाई ने भी कॉम्बिनेशन की बात की, असल कॉम्बिनेशन है और इनका कॉम्बिनेशन बन गया हुआ है। और देखें, जब आपको बैटिंग में इतनी स्ट्रेंथ हो और बैटिंग डाउन द ऑर्डर भी हो, फिर आप 6 ओवर यूटिलाइज करने के बाद भी उस मोमेंटम को कैरी ऑन कर देते हैं, और इसमें वो सलाहियत है। लेकिन उसके साथ साथ क्वेटा को आप बिल्कुल आउट राइटली खत्म नहीं कर सकते, जेसन रॉय विंस दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आ रहे हैं उस टीम के अंदर। अब देखना यह है कि जेसन रॉय को किस नंबर पर खिलाते हैं, अगर ओपन खिलाएंगे तो क्या स्मिथ को निकालेंगे या एहसन अली को निकालेंगे, विंस को कहां लेकर आएंगे, नीचे किसको निकालेंगे, किसको डालेंगे, इसलिए किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पिछली इनिंग में स्मिथ ने अच्छी बैटिंग नहीं की, हो सकता है वो कुर्बानी दे एहसन को रखना पड़े उनको, क्योंकि वो एक तो लोकल टैलेंट, मैं समझता हूं रखना, हां लोकल टैलेंट की वजह से एहसन को रखना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान का। क्या कहती है तस्नीम, इस्लामाबाद और क्वेटा? I think it's really funny क्योंकि आप बिल्कुल भी सारे स्टैटिस्टिक्स ला सकते हैं, you can look at everybody's records and strike rates and compare them, but when it comes to your team you will always favor them. और काश भाई ने भी अभी भी ये किया, मैं बस उनको याद दिलाऊंगी कि हम दोनों ने कल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिक किया था and we weren't right then either. So sometimes that natural bias you have with your team is hard to get rid of. Hum baar baar Lahore walon se bhi sunte hain aur Karachi walon se bhi sunte hain. So I guess it's time for Islamabad now. Maybe Islamabad hi kahungi because I think that depth is exceptional. It won't work every single day, but 9 times out of 10 it absolutely will work. I would also not count out Quetta. That would be a very foolish thing to do. However, what Islamabad has, I think that when it works, nobody else has that, including Multan Sultans, who have an exceptional leader, great captaincy, and a really together unit. बिल्कुल सही है, ऐसा थोड़ी कि तोता कार्ड उठाएगा और कहेगा कि क्वेटा जीत जाए बगैर स्टैट्स के और हमारे एक्सपर्ट्स इस बात को जाने देंगे, ऐसा थोड़ी होता है कोई। हसन भाई क्या कहते हैं, इस्लामाबाद और क्वेटा? बिल्कुल, अब दोनों तो इस्लामाबाद की तरफ चले गए, मगर मुझे क्वेटा की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मुमून जो है वो शायद अपना मैच भी खेलेंगे, शायद अफरीदी बहुत फर्क पड़ेगा उनके आने से, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, वो भी चेंजेस करेंगे और सरफराज को बहुत ट्रिक रखेंगे, इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद जो है वो अगर चलेंगे तो जो कैप्टेंसी है, आपको लगता है कि थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं सरफराज, आराम से बिल्कुल उनको कैप्टेंसी करनी चाहिए, और गैर जरूरी जो नोक झोंक चल रही है तू तू मैं सलमान भट्ट और सरफराज के दरमियान? देखिए, जब भी पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हैं ना तो लोगों की नजरें आपकी कमबैक पे होती हैं और आपकी खुद की नजरें कमबैक पे होती हैं, तो जिस तरह से रिजवान खेल रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी, सबको दुनिया को पता है कि लैंड ऑफ द ईयर बैट्समैन भी हैं, एज ए कीपर भी हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर सरवाज ने लिया अपने ऊपर कि वो कोशिश करते हैं कि इस तरह से जीत चाहिए मुझे और परफॉर्मेंस भी चाहिए इंडिविजुअली, उसमें थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए,
जो सिचुएशन होती है वो डिमांड ये कह रही होती है कि आपकी बैटिंग पैराडाइज जो कराची की है अपने बॉलर्स को सपोर्ट करें, टॉप बॉलर्स आपके स्मैन आपके पास है, पॉपुलर बॉलर वसीम शाह ने भी 5 आउट किए थे, मगर थोड़ा सा कम डाउन रहना पड़ेगा उनको और वापस गेम में आने के लिए अपने जो प्लेयर्स हैं उनसे यूटिलाइज करना पड़ेगा सही जगह। जबरदस्त। अच्छा जी अब्दुल कदीर राणा साहब, कराची में बैठ के इस्लामाबाद या क्वेटा? देखिए मेरा तो डेफिनेटली क्वेटा है, क्योंकि क्वेटा का अब जो है दो चीज़ें हैं उसके मेरी उसमें आती हैं जो जहन में, एक तो उन्होंने मैच जीता है लास्ट, वो जीत के आए हुए हैं, फिर शाहिद अफरीदी आज आए हुए हैं और सर इस वजह से टीम का मोराल जो है बुलंद है क्वेटा का। और जो इस्लामाबाद है वो अपना मैच जो है गुज़िश्ता मुल्तान सुल्तान से हार के आई है, दो से वोट बराबर है। काजी भाई तस्लीम कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद, हसन भाई और हमारे अब्दुल कदीर राणा कह रहे हैं क्वेटा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।